का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। अर हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है। बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन असमर्थ बच्चों को शिक्षा। रोजगार की करें व्यवस्था मांगे ना कोई भिक्षा। मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई। सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते। राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ ये बड़ा ही पावन मौका है। बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म
वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जब भी हम किसी मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं तो एक मंगलाचरण करते हैं, और वह मंगलाचरण हमारे मंगल भावों की अभिव्यक्ति करता है। सभा का प्रारंभ हो और उस सभा के प्रारंभ में भी जो मंगलाचरण हो, वह मंगलाचरण भी हमारे मनोभावों को बताता है। जब हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो हमारे सामने मोक्ष मार्ग के नेता भी आ जाते हैं। नेता के बिना कोई भी मार्ग नहीं चलता। समाज का नेता होना भी जरूरी है, धर्म का नेता होना भी जरूरी है, और मोक्ष मार्ग का नेता होना भी जरूरी है। जब हम तीर्थंकरों को देखते हैं तो वह तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के नेता कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठियों को देखते हैं तो वे धर्म मार्ग के नेता कहलाते हैं, और जब समाज के किन्हीं वरिष्ठ बंधुओं को देखते हैं तो वे समाज के नेता भी कहलाते हैं। नेता नेतृत्व करता है और वह इस तरह से चलता है कि चलने वाले उसके पीछे पीछे अपने आप चलते चले जाते हैं। चलना सभी को होता है। जब हम चलते हैं तभी कहीं पहुंचते हैं, और तभी किसी के लिए कोई लाभ मिलता है जब हम कहीं पहुंचते हैं। आप कितना भी ज्ञान अपने पास में रखे हों, लेकिन अगर आप चलते नहीं हैं तो वो ज्ञान ना तो आपके लिए लाभकारी है और ना किसी दूसरे के लिए लाभकारी। इसलिए तीर्थंकरों ने जैन साधुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, चलते रहो चलते रहो, हमेशा चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहो। अगर कभी कहीं रुकना पड़े तो थोड़ी देर के लिए कुछ कारणवश, और अगर कहीं और ज़्यादा कहीं रुकना पड़े तो वह चातुर्मास आदि के निमित्त से, वो भी एक कारण बस, अन्यथा चलते रहो। मोक्ष मार्ग पर भी चला जाता है और संसार मार्ग पर तो आप चलते ही रहते हैं। सुबह से शाम तक देखो, 4 लाइन बड़ी बड़ी रोडें हो गई हैं, कोई भी खाली नहीं दिखती। जहां पिछला हमारा स्टे था, सड़क के पास ही कमरा था, इतना ट्रैफिक, इतनी आवाजें, लेकिन उसके बीच में भी शांति से रह पाना, इसी से हम समझ पाते हैं कि हाँ, कुछ हम दूसरे से अपना ध्यान हटा पा रहे हैं। यह भी एक साधना के माध्यम से होता है। ट्रैफिक ये बताता है कि लोग बहुत हैं, रास्ता बड़ा हो गया है, और जितना रास्ता बड़ा होता जा रहा है उतनी चलने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, व्हीकल्स की संख्या बढ़ती चली जा रही। लेकिन उन सबके बीच में भी धर्म भी चल रहा है, धर्म पर चलने वाले लोग भी चल रहे हैं,
और उसी पद्धति से चल रहे हैं जिस पद्धति से तीर्थंकरों ने निर्देश दिया। वे स्वयं भी चलते रहे तो उन्होंने कहा जो भी इस मार्ग पर चलने वाला होगा वह मोक्ष मार्गी भी ऐसे ही चलता रहे। चलते चलते कई जगह ऐसी होती हैं कभी छूट जाती हैं, बाईपास से कभी निकल जाना होता है। अब बाईपास कई तरह का होता है, जो बाईपास शहर का बना हुआ होता है वही बाईपास नहीं होता है। शहर के आसपास अगर 10, 20, 25 किलोमीटर से भी कहीं से कोई रास्ता निकल गया तो वो भी बाईपास ही होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं जिसका नाम है धौलपुर, और इस धौलपुर के लिए हमें आगरा चतुर्मास के बाद जब आ रहे थे तो निश्चित था कि हमें धौलपुर होकर के आगे जाना है। जब हम कुंडलपुर के लिए जा रहे थे रास्ते में एक पड़ा राजा खेड़ा, और राजा खेड़ा के आगे एक मंदिर समोना। वो मंदिर तो बड़ा अतिशयकारी, उस मंदिर में भगवान की वेदी प्रतिष्ठा ये समझ लो लगभग 11 साल बाद हुई थी। और ये भी एक संयोग था कि हम भी 11 साल बाद गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। आप सोचो वह समोना में वेदी प्रतिष्ठा जब हुई तो वो राजा खेड़ा के लोग हमें अंदर ले गए, गांव के अंदर और ज्यादा ले गए। हमने कहा अब यहां से 3-4 किलोमीटर फिर वापस जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर लगभग फिर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त से हमने कहा कि भगवान अगर 11 साल से कहीं रुके हैं और हम अगर उसमें निमित्त बन रहे हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम भगवान को उच्चासन पर विराजमान करवा दें, हम तो अपने 7 किलोमीटर कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। तो जब हमने भगवान को वहां उच्चासन पर विराजमान करा दिया और वहां कोई व्यवस्था ही नहीं, वेदी प्रतिष्ठा के लिए भी रुकने के लिए 2 दिन चाहिए तो 2 दिन रुकने के लिए भी वहां कोई व्यवस्था नहीं, एक स्कूल था और उसी स्कूल में 2 दिन रुके, है ना, कोई बात नहीं। वह मुख्य तो था कि भगवान को अपने सिंहासन पर विराजमान करना, अपने यथा स्थान उनको बैठा देना ताकि उनका कोई भी रुका हुआ काम है तो पूरा हो जाए। जब भगवान वहां विराजमान हो गए उनके मुख की जो दिशा थी, कभी आप लोग समोना तो गए होंगे आसपास ही जाके देखना, उनके मुख की जो दिशा थी न जाने किसी ने बताया कि महाराज अपने को यहां से ही सीधा रास्ता जाता है और वह सीधा रास्ता चंबल को क्रॉस करके सीधा अंबा पहुंचता है और आपके लिए एक बहुत बड़ा चक्कर बच जाएगा और काफी रास्ता कम हो जाएगा। सुन रहे हो, मैंने देखा भगवान जिस दिशा में बैठे थे मंदिर से निकलने के बाद एक गली से सामने उसी दिशा में मैं आगे बढ़ा और सीधा वो रास्ता चंबल की ओर गया और चंबल क्रॉस करके मैं अंबा पहुंच गया। मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे भगवान मुझे दिशा बताने के लिए यहां पर आकर के बैठे थे। लेकिन उसमें धौलपुर छूट गया था। ये बात अलग है कि उस समय पर हमें धौलपुर आना था लेकिन शायद प्रभु की यही मर्जी थी, अभी तो चले जाओ बाद में आ जा। और वह बाद कब होता है तो संयोग बन जाता है, और वह संयोग अब जाकर के 2-2.5 साल के बाद में वह संयोग बना जब हम धौलपुर के जिनालयों के दर्शन कर पाए। हमें तो जिनालयों के दर्शन करने होते हैं, आपको किसके करने होते हैं? आपको मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के करने होते हैं। जब हम जिनालय के दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में समाज धर्म की आराधना करते हुए अपना भी मोक्ष मार्ग बना करके रखती है, और जब गुरुजन आते हैं तो उनकी भी सेवा शुश्रूषा करने के लिए तत्पर रहती है। ऐसी समाजों को भी गुरुजनों का लाभ मिलना चाहिए। लोग मुझसे कह रहे थे कि महाराज आप हाईवे से अंदर जा रहे हैं, 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर होगा और अंदर जाने के बाद फिर आपको उसी रास्ते पे बाहर आना होगा। हमने कहा इतना गुणा भाग मत लगाया करो,
कभी कभी समाज की भावना भी देखा करो। हम हजारों किलोमीटर चले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर अंदर पहुंच करके हमको जिनालय के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे और समाज को भी एक सेवा करने का लाभ मिलेगा, तो इसी से ही धर्म चलेगा। और ये धर्म चलता रहता है। यहां पर आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यहां पहली बार आ रहा हूं, मैं किसी अपरिचित जगह पर आया हूं। पूछो क्यों? जगह अपरिचित तब लगती है जब वहां पर कोई भी मुझे जानने वाला ना हो। लेकिन जब मैं यहां पर आ रहा था, ये श्रीमान जी बैठे सामने, कहने लगे महाराज हम प्रतिदिन अरहम योग करते हैं। जब अरहम योग करने वाले लोग मिल गए, जब यहां पर बैठा सभा में मंगलाचरण हुआ, जिस बहन ने मंगलाचरण किया उसने वो भजन गाया जो मेरा खुद का लिखा हुआ है, तो मुझे लगा लोग यहां पर पहले से परिचित हैं, जानते हैं, अरहम योग भी जानते हैं, जो अपने खुद के अच्छे अच्छे रचित भजन हैं वो भी लोगों तक पहुंचते हैं, मोबाइल के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। इस बात से ये समझ में आता है कि हम यहाँ कोई अपरिचित लोगों के बीच में नहीं है, हम यहाँ परिचित लोगों के ही बीच में है, अपने ही लोगों के बीच में है। स्थान नया होता है। जब हम मार्ग पर चलते हैं तो मार्ग पर इसी तरह से चला जाता है जैसा अभी भजन पढ़ रहे थे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। ये लाइनें हमने आचार्य महाराज के लिए लिखी थी उनके स्वर्ण महोत्सव पर, और इसका भाव यही था कि वह स्वयं मोक्ष पथ पर चल रहे हैं, अनेक भव्य जीवों को उस मोक्ष पथ पर ले जा रहे हैं, लेकिन ले जाते हुए भी किसी के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको चलना ही पड़ेगा। चलने का भाव जब जीव का अपने आप बनता है तो वह किसी ना किसी निमित्त को देख करके बनता है, और वह निमित्त अगर हमारे सामने सशक्त होता है तो लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और यही आचार्य महाराज के जीवन में सबने देखा, वो कहां आए कहां गए, कहीं इस किसी स्थान पर अगर नहीं भी पहुंचे हो तो भी उनके माध्यम से अनेक अनेक लोगों ने इस तरह से अपना मोक्ष मार्ग बनाया कि आज भी भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हजारों लोग चल रहे हैं। ये ऐसे ही चलने वाला मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर के ही कोई धर्म नेता मोक्ष मार्ग का नेता बनता है। यह मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं, मोक्ष मार्गस्य से नेतारम कैसे बनते हैं, भेत्तारम कर्म भूव्रताम, जब अपने कर्मों को वह खुद तोड़ लेते हैं तो स्वयं वह मोक्ष मार्ग के नेता बन जाते हैं। उन्हें किसी के माध्यम से वोटिंग देकर के नेता नहीं बनाया जाता, वो स्वयं बनते हैं, और जो स्वयं बनते हैं वो ज्यादा टिके रहते हैं। क्या सुना? जो स्वयं बने होंगे वो ज्यादा टिके रहेंगे, जो किसी दूसरे के द्वारा बनाए हुए होंगे वो कब टिकेंगे, जब तक दूसरा उसको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी परंपराएं चली आ रही होती हैं, जिनके घरानों में इस तरह के राजनेताओं का भाव चला आ रहा होता है, और वह लोग अपने आप उस नेतृत्व के भाव से हमेशा टिके रहते हैं, और इस तरह से जो टिकाव होता है वो टिकाव ही वास्तव में सही माना जाता है। आचार्य महाराज स्वयं अपने आप बने हुए नेता हैं, तीर्थंकर भी स्वयं अपने आप बने हुए नेता होते हैं, और नेता बनने के लिए क्या करना पड़ता है, भेत्तारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी भूभ्रत माने पर्वत, कर्म के पहाड़ हमारी आत्मा में चिपके हुए हैं। सुनते हो कभी, सोचते हो कभी अपने विषय में,
हमारा जीव, हमारी आत्मा कर्म से बंधा हुआ है। माने कर्म ऐसे हुए हैं, पार्टिकल्स हैं वो एक तरह के, जो चेतना से भिन्न है, पौद्गलिक मैटर है वो, लेकिन वह आत्मा में इस तरह से बंधा हुआ है कि वह एक जैसे पहाड़ का रूप ले लिया। जैसे पहाड़ों को तोड़ना कठिन होता है, ऐसे उन कर्मों को तोड़ना कठिन है, इसलिए कर्म को पहाड़ की उपमा दी गई। वह कर्म हमारे अपने ही बनाए हुए हैं, अपने ही स्वयं से बांधे हुए हैं, और उन कर्मों से हम सभी आत्माएं बंधे हुए हैं, चाहे वो कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी जीव है किसी भी तरह से यहां पर अगर इस संसार में है, तो वह जीव, वह आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, और वह कर्म उसके लिए पहाड़ की तरह है। उस पहाड़ में कोई बिल्कुल दब जाता है, और कभी उस पहाड़ पर थोड़ा सा, उस पहाड़ से कोई जीव उभर आता है, निकल आता है। जब आपको कर्म के पहाड़ देखने हो, तो अपने नीचे चलते हुए कीड़े मकोड़ों को देखना, केंचुए, चीटे, है ना, ऐसे छोटे छोटे जीवों को देखना जो विवश हैं, असमर्थ हैं, कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह भी जीव हैं। जीव होते हुए भी वो कर्म के पहाड़ से दबे हुए हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे जीव बन गए। हमारे कर्म के पहाड़ थोड़े से हट गए, थोड़ा सा हमारे अंदर का भार कम हुआ, तब हम मनुष्य बने। नहीं तो अपनी हालत भी वैसी थी। और वही जीव जो कर्म के पहाड़ से दबे हुए हैं, दबते चले जाते हैं, कभी कभी इतने छोटे बन जाते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, पूरे एनवायरमेंट में रहते हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। वनस्पति में जीव हैं, जल में जीव हैं, पृथ्वी में जीव हैं, अग्नि में जीव होते हैं। ये कैसे जीव हैं? ये सब कर्म के पर्वतों से दबे हुए, इनका अस्तित्व अब कुछ ऐसा है कि बस है, बस बचा सा कुछ नहीं है, उभर नहीं पा रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ना सोच पाएंगे, ना कुछ अपने मन का कर पाएंगे, क्योंकि मन ही नहीं उनके पास। आज हम इतने सारे जीव बैठे हैं, कुछ तो कुछ हमने अपने कर्म के पहाड़ों को तोड़ा, कुछ हमने अपने अच्छे कर्म करके अपने कुछ उन पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को उभारा, तो आज हमारे कर्म हमको इतना नहीं दबा रहे जितना हमें दुनिया में अनेक जीव दबे हुए दिख रहे हैं। आज हम बैठे हैं, हमारी बुद्धि चल रही है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम ये भी जान पा रहे हैं कि कर्म होते हैं, कर्म के पहाड़ों को हमें तोड़ना है, और उन पहाड़ों को तोड़ कर के ही आज हम अगर मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में भी मनुष्यों के देवता, कभी साधु परमेष्ठी दिगंबर रूप को भी धारण करने की अगर हम चेष्टा करेंगे, तो कर्म के पहाड़ और टूट जाएंगे, तब बन पाएंगे। और जब वो और अपने कर्म के पहाड़ों को तोड़ते चले जाते हैं, तो वही साधु परमेष्ठी एक दिन अरिहंत परमेष्ठी बन जाते हैं। ये सब कर्मों को, पहाड़ों को तोड़ने से ही बनता है। चलना है, चलते चलते ही वो पहाड़ टूटेंगे। चलते रहो, कोशिश करते रहो। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप सोच सकते हो, कभी एक बार भोजन करना, एक बार ही पानी पीना, और कहां था मैं? कुंडलपुर, फिर आया खजुराहो, और खजुराहो, समझ आ रहा है, जहां पर अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है गर्मी के टाइम में, वहां पर खजुराहो से फिर इधर बढ़ा, छतरपुर झांसी की तरफ, ग्वालियर की तरफ, और पैदल पैदल पांव पांव चलते 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 आज ये सब बड़े बड़े शहर क्रॉस करके मुरैना भी क्रॉस हो गया। अब लग रहा है कि मैं कहीं अब अपने लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, अब लग रहा है।
अब ये धौलपुर से आगे निकलने के बाद जब आगे की तरफ बढ़ूंगा, महावीर जी की तरफ जाऊंगा, तब लगेगा कि हाँ अब अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रहा हूं। कहीं मुझे पहुंचना है, लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं है कि महाराज को कहाँ पहुंचना है। अंदाजा सबको है, लेकिन मैं डेफिनेटली इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जब मैं पहुंच जाऊंगा तभी कुछ समझूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या पता कर्म का उदय कब कैसा कहां क्या आ जाए। हम अपना जीवन जी रहे हैं, कर्म के फल से जी रहे हैं। देखो अभी 2 दिन पहले घटना घटी, वो आचार्य विराग सागर जी महाराज बिहारी कर रहे थे, जैसे हम लोग बिहार कर रहे हैं वो बिहारी कर रहे थे। कहीं भी उनको पहुंचना था अपने गंतव्य तक, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, रास्ते में कुछ भी हो गया। जो कुछ भी हमारे साथ होता है समझना, वो हमारे ही अपने कर्म के उदय से होता है। कर्म ही हमको चलाते हैं, कर्म से ही हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा आउ खेण मरणम आउ उदयण जीवितम। आयु का उदय है तब तक हमारा जीवन है, और आयु कर्म का क्षय हो जाएगा हमारा मरण हो जाएगा, हमारा उसी समय पर आत्मा इस देह को छोड़ देगा। उसे इससे मतलब नहीं कि आप रास्ते में चल रहे हैं, कि आप भोजन कर रहे हैं, कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कि आप अभी कोई बहुत आवश्यक काम में लगे हुए हैं। कर्म के उदय में ही सब चल रहा है। आयु कर्म का उदय चल रहा है इसलिए जीवन चल रहा है, और उस आयु कर्म का क्षय जहां जिस समय पर हो जाएगा जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी आयु कर्म के साथ चल रहा है और इसी से हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे कर्मों के माध्यम से हमारा जीवन चलता है, और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें दबाते चले जाते हैं, और वह दबा दबा करके इतना दबा देते हैं कि हमारा अस्तित्व बिल्कुल जीरो हो जाता है, शून्य पर पहुंच जाते हैं। आज हमारा अस्तित्व हमें कुछ महसूस होता है, होता है ना, हम कुछ हैं। मनुष्य होकर के हम सबको जान पा रहे हैं, किसका अस्तित्व क्या है, कौन किसका नेता है, कौन किसका नेतृत्व कर रहा है, यह जो हम जान रहे हैं ये भी हमारे अंदर का एक बहुत बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान कब काम करता है, जब कर्म के पहाड़ हमारी आत्मा से कुछ हट जाते हैं तब ज्ञान उभर के आता है। तो आप ये समझें कि आपने भी कुछ कर्म तोड़े हैं तब आप आज एक अच्छे मनुष्य के रूप में बैठे हैं, और अच्छे कर्म आपने तोड़े होंगे तब आपको गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। अपने आप आपको चलते फिरते साधु परमेष्ठी का दर्शन होता है, आचार्य परमेष्ठियों के दर्शन होते हैं। ये सब आपने अपने भीतर कर्मों के जो पहाड़ तोड़े हैं ना, उसके कारण से हो पाते हैं। अब इन पहाड़ों को आप तोड़ते रहो, ये कर्म के पहाड़ आपके ऊपर और ना बढ़े, ऐसा प्रयत्न करते रहो, और आपसे कुछ बने ना बने कम से कम अरहम योग तो करते रहो। इससे आपको यह महसूस होगा कि मैं क्या हूं, मेरा वास्तव में अस्तित्व क्या है, और मैं जिसे अपना समझ रहा हूं वह मैं हूं, या जो इस मैं माने अहंकार को छूटने के बाद में जो मैं बचता हूं वो मैं। मैं के 2 मायने होते हैं ना, एक मैं माने जब मैं अहंकारी होता हूं तब मैं बोलता हूं, और एक मैं जब सिर्फ मैं अपने आप को महसूस करता हूं बिना अहंकार के, तब भी मैं ही होता हूं। इन दोनों के बीच का अंतर अगर आपको समझना है तो आपको अरहम ध्यान योग करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। यही एक सरल तरीका है। जब हम अपने उस मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने के बाद में अपने लक्ष्य पर पहुंचे हुए उन अनंत अनंत आत्माओं को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं अरहम के माध्यम से। अरहम का मतलब ही है वह शुद्ध आत्माएं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गई, जिसे हम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम कहते हैं। उन सबका एक छोटा सा नाम क्या है,
अरहम, ओम अरहम, ये उसी के बीज अक्षर हैं। और इन अक्षरों के माध्यम से जब उनकी शक्तियों को हम अपने में समावेश करते हैं तो हम उनके बहुत निकट होते हैं। केवल नाम लेने मात्र से भी ऊर्जा आने लग जाती है। आती कि नहीं आती? आप देखो, आप किस किस का नाम लेते हो, किस किस के कैसे भाव आते हैं। अगर हम यहां पर नाम लें, देखो नाम लेने मात्र से ही कैसे हमारे दिमाग में भाव आ जाते हैं। अगर हम यहां पर किसी क्रिकेटर का नाम लें, जो भी वर्ल्ड कप जीत के आया हो, समझ आ रहा है, तो आपके दिमाग में पूरा स्टेडियम छा जाएगा अभी। अगर हम किसी एक्टर का नाम ले लें तो आपको उसकी फिल्में याद आने लग जाएंगी। अगर हम पीएम मोदी का नाम ले दें तो आपके दिमाग में पूरा वह देश का प्रधानमंत्री के रूप में उसकी छवि दिमाग में आने लग जाएगी। अगर हम आचार्य गुरु विद्यासागर जी का नाम ले दें तो आपके दिमाग में उस तरह की छवि आने लग जाती है। और अब हम अरिहंतों का नाम ले दें, सिद्धों का नाम ले दें, तो नाम में भी कुछ दम होती है। नाम से हमारे अंदर अपने आप उस व्यक्ति से कनेक्शन होता है, और इसीलिए जब हम अरहम बोलते हैं तो हमारा कनेक्शन अपने आप सिद्धों से होता है। मोक्ष मार्ग के नेता बन गए माने उन्होंने अपनी आत्मा को कर्म से अलग कर लिया, उनकी आत्मा साफ सुथरी हो गई, धुल गई, तब वो धौलपुर पहुंच गए। धौलपुर का मतलब जहां पर आत्मा कर्म से धुल करके जिस पुर में पहुंच जाए, उस पुर का नाम धौलपुर सिद्ध नगर कहलाता है। नहीं समझ में आया? धो अपनी आत्मा को। ये बात अलग है कि जब से हमने धौलपुर के लिए विहार किया, अच्छी बरसात हो रही है, आज भी बहुत प्रेडिक्शन है। माननीय महोदय बोहरा जी कह रहे थे, महाराज यहीं पर रुको, बरसात आने वाली है, धुलने के लिए आने वाली है। और उस धुलने में अगर आपके लिए ऐसा कोई उपदेश मिल जाता है जो आपके कर्म मल को धोने में काम आ जाए, तो उस बरसात से ज्यादा ये बरसात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो धौलपुर का मतलब धुल करके उस पुर में पहुंचना जहां पर सिद्ध भगवान पहुंचे। अपने कर्मों को धोना, और धोकर के भी हम जब अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेंगे तभी हमको अपने गंतव्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा अपने मन के अंदर यह लक्ष्य बना करके चलना चाहिए, मेरा आत्मा कर्म रूपी पर्वतों से बंधा पड़ा है, दबा पड़ा है, घिरा पड़ा है, और मुझे उन कर्म पर्वतों से अलग करके अपने आप को, अपनी आत्मा को धोना है। उन कर्मों से अपनी आत्मा को धो करके, हटा करके, शुद्ध करके अपनी आत्मा को पवित्र करना है, अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाना है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाना चाहिए। यह उद्देश्य बन जाएगा तो आपको साधु अच्छे लगेंगे। क्या सुन रहे हो, साधु अच्छे लगते हैं आप लोगों को? नहीं लगते? लगते हैं? आप लोगों के लिए यह दिगंबर रूप तभी अच्छा लगेगा जब आपको पता हो कि यह दिगंबर रूप अपने आत्मा में लगे हुए कर्म को धोने के लिए पुरुषार्थशील है। इतना चलना, इतना परिश्रम करना, हमें कोई आगे जाकर के कोई लड्डू पेड़ा मिलने वाले नहीं है कि हमें वहीं पे जाके कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा वहां जाके? अरे वहां जाके भी समाज ही मिलेगी, यहां भी समाज ही है, पीछे भी बहुत सारी समाज छोड़ के आए, वहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन जब तक समय है तब तक पुरुषार्थ कर लो बस। और जब पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं हम चलेंगे, चलेंगे तो कुछ नई जगहों पर पहुंचेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए भाव लोगों के अंदर आएंगे। अगर हम चलते नहीं तो आज धौलपुर के लोगों के अंदर इस तरह का भाव कैसे आता कि हमें भी अपने कर्मों को धोना है, ये ज्ञान उन्हें कैसे होता? हमारे पास तो कितने से लोग आते, लेकिन जब हम यहां आ गए तो सब आकर के बैठ गए। शुरुआत में भले ही हमें अकेला बैठना पड़ता हो, लेकिन बाद में सब आ जाते हैं। देखो पूरा हॉल भर गया।
तो लोगों की भावना रहती तो है कि हमें भी कुछ सुनना है, हमें भी कुछ समझना है, और उस सुनने समझने के लिए जब हमें किसी का कुछ भी थोड़ा सा निमित्त मिल जाता है, कारण मिल जाता है, तो हमारा ज्ञान भी जागृत होने लग जाता है। इसलिए आप लोग अपने मन में जब जब याद करें भगवान को, तो ये याद करना कि भगवान ने अपने कर्म मलों को धो दिया था, इसलिए भगवान भगवान बन गए, और हम अपने कर्म मलों को नहीं धो पाए, इसलिए अभी इस धौलपुर में पड़े हैं। लेकिन जब हम भी कर्म मलों को धो लेंगे, तो हम भी उस धुल करके उस सिद्धपुर में पहुंच जाएंगे जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान। ये उद्देश्य अपने जीवन में बनाकर रखेंगे, तब अपने को अपने आप ये भाव अच्छे लगेंगे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे है, निराली डगर मोक्ष का ये सफर। ये भी एक सफर है, हम भी सफर कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये अनोखा सफर है, और इस सफर में कोई सहारा होता है तो सिर्फ गुरु होते हैं। गुरु नहीं भी हैं तो भी उन गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वचन, आज जो हम फॉलो किए जा रहे हैं, वही हमारे लिए सहारा होते हैं। इसलिए ये बात हमने बहुत पहले ही समझ ली थी, है निराली डगर मोक्ष का ये सफर, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर। गुरु का साथ हमेशा हमारे सफर में रहता है, हमारा हम सफर आप नहीं बन पाते। आप तो जभी तक हैं, एक स्टॉपेज पहले एक स्टॉपेज आगे, बस आपका सफर हमसे हमीं पर छूट जाएगा। कुछ लोग होते हैं राजेंद्र जैसे, जो थोड़ा सा बहुत लंबा इनका हम सफर चल रहा है अभी, है ना, अभी टिकटोली नहीं भी पहुंच रहा है तो भी उन्हें लग रहा है जितना हम महाराज का सानिध्य ले लेते हैं, ले लेना चाहिए। इस तरह के लोगों के माध्यम से थोड़ा सा अपने आप लगने लग जाता है कि देखो अगर हम नहीं भी जा पा रहे हैं टिकटोली, तो कभी ना कभी हमें इधर से आना होगा, तो अब हम टिकटोली जरूर जाएंगे। अभी कुछ कारण है, बरसात है, कुछ रास्ते ठीक नहीं है, कुछ अनुकूलताएं नहीं बनेंगी, ऐसा सोच करके अभी छूट रहा है। लेकिन जब श्रावक की भावना देखने में आ जाती है, तो अपने आप मुनि महाराज के अंदर भी भाव आ जाता है कि जो चीज एक बार छूट गई है उसकी कभी ना कभी पूर्ति हो जाए। समझ आ रहा है? तो आपको थोड़ी देर के लिए मुनि महाराज का भी हम सफर बनना चाहिए। नहीं समझ में? तो वो हम सफर बनने वाले लोग कम होते हैं, ज्यादातर तो शहर में आने से पहले और शहर में आने के बाद बस हम सफर रहते हैं, फिर उसके बाद छूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लंबे समय तक हम सफर रहते हैं, कुछ लोग अपने आप मन बना करके आते हैं, जैसे दिल्ली के नोएडा के श्रीमान जी बैठे हैं, ब्रजेश जी, ये अब की बार मन बना के आए हैं कि थोड़ा सा हम सफर हम भी करें। तो ये हम सफर बनने का मतलब सफर में साथ साथ चलना, और गुरु अगर हमारे ऊपर हैं, गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो फिर किसी भी सफर में कोई सफर नहीं होता है। सफर माने कष्ट, किसी भी सफर में कोई कष्ट कष्ट नहीं लगता, क्योंकि क्या हमको है गम जब गुरु सा मिला हम सफर। जिनकी वाणी में तत्वों का होता जिक्र, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे जो स्वयं मोक्ष पथ पर चले जा रहे। श्री जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई।
Thank you.